गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्मॉल बेडरूम मेकओवर आइडियाज। सो दिस इज आवर गेस्ट बेडरूम, सो यू कैन आल्सो कॉल इट गेस्ट बेडरूम मेकओवर आइडियाज। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है बिफोर सिनारियो। नाउ बहुत दिन से ही ये रूम नेग्लेक्टेड था एंड काफी साइज में ये छोटा भी है, तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा। ऑल्सो यहाँ शौविक का एक वर्क स्टेशन भी हमने सेटअप किया है, तो पूरे दिन वो यहीं रहता है, तो मुझे ऐसा कुछ मेकओवर सोचना पड़ा जो उसके लिए भी बहुत कम्फर्टेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बड़ा सा विंडो दिया हुआ है जिससे बहुत ज्यादा नेचुरल लाइट घर के अंदर आता है। नाउ एज यू कैन सी ये जो डेस्क है यहाँ बहुत सारा वेयर्स बिखरा हुआ है एंड फ्रेंकली सेइंग मैं ज्यादा कुछ यहाँ नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज ऑल्सो हिज म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेक्शन, तो यहाँ उसका म्यूजिक का भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है। ऑपोजिट जो वॉल है वहाँ हमने टेक्सचर पेंट करवाया हुआ है, दिस इज एशियन पेंट्स टेक्सचर पेंट्स। तो ये आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर पेंट का अगर आप एशियन पेंट्स के शॉप में जाते हो या फिर किसी भी डीलर के शॉप में जाते हो। बाकी जो वॉल्स है उनको हमने व्हाइट ही छोड़ा है फॉर अ बैलेंस। नाउ ये जो मेकओवर है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ डीआईवाई फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल। नाउ स्टार्टिंग विद दिस DIY, ये जो DIY है ऑलमोस्ट नो कॉस्ट DIY है। सभी घर में पुराने मैगजीन्स तो होते ही है, एक दो पुराने मैगजीन्स सभी घर में रह जाते हैं एंड उनको बाद में हमें फेंकना पड़ता है। नाउ उन्हीं मैगजीन्स को यूज करके हम लोग ये DIY करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पुराने मैगजीन ले लिया है एंड इसी तरीके से आई एम मार्किंग ऑल दोज पेजेस जहाँ मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो मेरे पसंदीदा जो भी पिक्चर्स है उनको मैं ऐसे मार्क करती जा रही हूँ। आप किसी भी थीम चूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो चूज पोर्ट्रेट्स, ये बिल्कुल आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। नाउ आई हैड रिसीव्ड दिस फोटो फ्रेम्स फ्रॉम अ ब्रांड फ्यू मंथ्स बैक। यू कैन गेट सिमिलर काइंड्स इन Amazon। इन हुक्स को बहुत आसानी से डिटैच किया जा सकता है एंड यू कैन फिक्स द फोटो वेरी इजीली। तो ये घर में ही पड़ा हुआ था सो आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग देम। अब मैं फ्रेम के हिसाब से मेजरमेंट ले लूंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू कट द पिक्चर। जो आपका मेजरमेंट है उसी हिसाब से पिक्चर को कट कर देना है। Now our photos are ready and उनको बहुत आसानी से ऐसे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। Wow, isn't it looking absolutely stunning? बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से बाकी फ्रेम्स को भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। एंड ओ जस्ट इन केस इफ यू डोंट हैव अ मैगजीन एट होम, डू नॉट वरी, ऐसे कैलेंडर सभी के घर में होता है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। अगर कोई इंस्पिरेशनल या फिर मोटिवेशनल मैसेज आप रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। लाइक हाउ आई हैव डन हियर, आई हैव यूज्ड सम इंस्पिरेशनल कोट्स एज वेल। नेक्स्ट जो लेआउट मैंने सोचा है उसी को मैंने रिक्रिएट किया है फ्लोर के ऊपर। मैंने यहाँ पिंटरेस्ट से बहुत सारा आइडियाज लिया है, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन डू, बट इट्स अ गुड आइडिया दैट यू क्रिएट द सेम लेआउट ऑन द फ्लोर। इन दैट वे यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि एक्चुअली वॉल्स के ऊपर वो कैसा लगेगा, कौन सी कॉम्बिनेशन में बेसिकली यू वॉन्ट टू यूज योर एलिमेंट्स। नाउ मैंने ले लिया है दिस MM कमांड स्ट्रिप्स, इनका यूजेस मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बार दिखाया है। ऑल्सो एट द बैक ऑफ द पैकेज आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है हाउ टू यूज दोज। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ अवॉइडिंग ड्रिलिंग्स एंड मैं चाह रही थी ये मेकओवर को रेंटल फ्रेंडली मेकओवर बनाना एंड दैट इज वाई आई थॉट ऑफ गोइंग अहेड विद दिस। ऐसे ही दोनों स्ट्रिप को अलग कर लेना है एंड एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर देना है। आफ्टर दैट एक साइड का जो स्ट्रिप है, एडहेसिव स्ट्रिप है, उसको ऐसे निकाल देना है। उसके बाद इन स्ट्रिप्स को आराम से आपके जो फोटो फ्रेम है उसके ऊपर चिपकाना है एंड टेक योर ओन टाइम, आराम से 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड तक इसको स्टिक करना है। उसके बाद दिस इज रेडी फॉर यूज। तो इसी तरीके से मैं बाकी फ्रेम्स को भी रेडी कर लूंगी।
Now, these kind of DIYs are realistic and at the same time, they are low maintenance. Okay, now comes the fun part of installing everything on the wall. यहाँ मैंने पहले ये सॉफ्ट बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया है. Now this सॉफ्ट बोर्ड इज फ्रॉम Amazon. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा विद ऑल द अदर लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट जो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है. एंड नाउ आई एम इंस्टॉलिंग ऑल द फोटो फ्रेम्स. आप देख सकते हो बहुत आसानी से मैं इनको इंस्टॉल कर पा रही हूँ. दूसरी तरफ की जो एडिसिव स्ट्रिप है उनको मैंने निकाल लिया है एंड बहुत ही आसानी से मैं इनको आराम से इंस्टॉल कर रही हूँ. ऑल्सो दीज आर गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, मतलब ये इतने आसानी से नहीं निकलेंगे. नाउ ये दो छोटे स्ट्रिप्स पड़े थे मेरे पास, तो इस फ्रेम में मैंने दो स्ट्रिप्स यूज किया है बिकॉज द स्ट्रिप्स आर स्मॉलर. तो जब आप ये MM स्ट्रिप्स खरीदोगे वहां जो परमिसेबल वेट है वो लिखा हुआ होगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड. नाउ द फोटो फ्रेम इंस्टॉलेशन इज डन, लेट्स मूव टू द अदर साइड. करेंटली दिस इज द कंडीशन ऑफ द बेड विच नीड्स डेस्परेट अटेंशन. तो पहले मैं सब कुछ हटा दूंगी बेड से एंड आई विल क्लीन द बेड थरोली वीकली. मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है इससे ये इंश्योर एटलीस्ट होता है कि ये रूम जो है डस्ट फ्री रहता है. बट फिर भी कोई भी जगह को एक मेकओवर देने से पहले इट्स अ गुड आइडिया टू डस्ट एंड क्लीन द प्लेस प्रॉपरली. नाउ यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ. कोई भी रूम में अगर बेड या फिर सोफा या कोई काउच रहता है यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ चेंजिंग द लिनन व्हेन यू आर डूइंग द मेकओवर बिकॉज चेंजिंग द लिनन लाइक द कर्टेंस द बेड कवर एटसेट्रा मेक्स ह्यूज डिफरेंस इन अ रूम एंड अ क्लीन शीट विल ऑलवेज मेक यू फील वार्म एंड कंफर्टेबल. नाउ बेडशीट के ऊपर ये बेड कवर मैंने डाला है. दिस इज अकांथा बेड कवर. मेरे दूसरे वीडियोस में शायद आपने ऑलरेडी इसको देखा होगा. दिस विल एंश्योर कि बेड एकदम इंटैक्ट रहे एंड इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है. ऊपर से जस्ट मैं ये बेड कवर को निकाल लूंगी एंड क्लीन कर दूंगी. हमेशा मुझे बेडशीट चेंज करने की झंझट में जाना नहीं होगा. दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो डू, जस्ट यूज अ बेड कवर ऑन टॉप ऑफ योर बेडशीट एंड बार बार आपको बेडशीट चेंज नहीं करनी पड़ेगी. Also, I tried to create layers by adding additional cushions, bolsters. यहाँ जैसे आपको दिख रहा है मैंने बहुत सारा cushions and bolster को add किया है in my bed. तो ये एक personal preference है कितना comfortable आप हो. Now, इनको निकालने में मुझे 2 मिनट ही लगते हैं. ज़्यादा maintain भी नहीं करना पड़ता है. At the same time, my bed looks super cozy and aesthetically pleasing. ओके द नेक्स्ट थिंग इज कर्टन. तो कर्टन को मैं चेंज कर रही हूँ एंड यहाँ मैं डाल रही हूँ ये ब्लॉक प्रिंट के सुपर कोजी कॉटन कर्टन्स. ब्लॉक प्रिंट के कर्टन्स अभी काफ़ी ट्रेंड में है एंड इनको मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदा है. उनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक. हाउएवर दिस कर्टन्स आर नॉट एग्जैक्टली सुटेबल फॉर अ बेडरूम सिंस दिस इज अ गेस्ट बेडरूम. उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है तो मैंने ये कर्टन यूज किया है. नहीं तो यू कैन सी दैट दिस इज हार्डली ब्लॉकिंग एनी सनलाइट. यस दिस इज नॉट शेयर कर्टन बट आई वुड से कि अगर आप बेडरूम के लिए ले रहे हो इसको मत लो. यू कैन यूज इट इन ड्रॉइंग रूम्स और अदर रूम्स. दिस विल नॉट ब्लॉक द सनलाइट like blackout curtains, so try to use it probably like in a guest room or drawing room. सो नेक्स्ट आते हैं ये ऑपोजिट वाले सेक्शन में जहाँ हम लोगों ने एक वर्क स्टेशन क्रिएट किया है. नाउ दिस इज वेयर शौविक एक्चुअली वर्क्स फ्रॉम जब वो घर से काम करता है. तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकती बिकॉज ही हैज़ ऑल हिज स्टफ्स हियर. सो मैं यहाँ थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ एंड थोड़ा डीक्लटर कर लेती हूँ इस एरिया को. सो एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड डेली आई एम पुटिंग इनसाइड द कबर्ड. बाकी सारे चीज़ों को मैं यहाँ ऑर्गेनाइज कर दूंगी. वैसे बहुत ही मिनिमल थिंग्स वी हैव केप्ट हियर सो दैट वी कैन कीप दिस स्पेस क्लटर फ्री. तो मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर रखा है, एक प्लांट रख दिया है टू ऐड दैट ग्रीन फैक्टर. थोड़ा सा ग्रीन फैक्टर ऐड होना चाहिए कोई भी जगह में. एंड नाउ आई एम पुटिंग ऑल दिस फिगरिंस जो बहुत ही फेवरेट है उसके.
नीचे के सेक्शन में आई हैव केप्ट फ्यू वेरी ओल्ड स्टोरी बुक्स फ्रॉम माई चाइल्ड हुड डेज, दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो जितना भी पुराना हो जाए इनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ. एंड देन आई हैव केप्ट वन ऑर्गेनाइजर जिसमें सारे स्टेशनरीज को मैंने ऑर्गेनाइज किया है ताकि बहुत आसानी से मिल जाए. आई हैव एडेड वन फैमिली फोटोग्राफ एज वेल. तो सब कुछ यहाँ बहुत नीट एंड क्लीन रखने की ये मैं कोशिश करती हूँ. एंड दैट्स वाई आई कीप बेयर मिनिमम थिंग्स हियर ताकि डस्टिंग में मुझे कोई परेशानी ना हो. नेक्स्ट आई विल ऑर्गेनाइज द डेस्क. यहाँ पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है, सो सब कुछ मैं निकाल लूंगी एंड आई विल क्लीन द डेस्क. तो पहले ना क्लीनिंग कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉर्नर चाहे आप मेकओवर कर रहे हो. सो आई हैव क्लीन्ड दिस डेस्क विद कॉलिन. नाउ मैं सारे सामान को एक एक करके लगा दूंगी. दीज आर ऑल वेरी एसेंशियल थिंग्स फॉर हिज डेली वर्क. तो इसमें तो ज्यादा कुछ मैं चेंजेस नहीं कर सकती, सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज. ऑल हिज लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स, वॉच एटसेट्रा, सब कुछ मैं सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ. नेक्स्ट कम्स दिस कॉर्नर जहाँ बहुत सामान रखा हुआ है, जैसे द मोडेम एंड शॉबिक के लिरिक स्टैंड्स, शूटिंग लाइट्स, पोस्टर्स, बहुत कुछ बिखरा पड़ा था. सो नाउ इट्स टाइम टू गिव दिस कॉर्नर अ मेकओवर. सारे सामान मैंने यहाँ निकाल लिया है एंड आई हैव एडेड दिस प्लांट टू गिव अ सेंस ऑफ हाइट. Now I am adding a jute rug here. You guys must be knowing my love or interest for natural elements. जहाँ भी मुझे natural element का option मिलता है, I always opt for that. So this rug is from Amazon. I was so happy to receive this rug. बहुत सारे different color में available है. I think this is also available in black. तो इसका link दे दूँगी मैं description में. You can go and check the link. With this small changes, you can see this corner has entirely changed. Also, I am hanging the guitar here. Now, for a small room, जितना ज़्यादा हम लोग vertical space को utilize करेंगे, उतना ही अच्छा है. So, I thought of going ahead with this hook or holder. तो इसका भी link description में रहेगा. You can go and check. Now I am putting some twinkling lights here because some extra light can never harm you. And also you will see in the night view how these twinkling lights is changing this entire corner. This light is from Amazon. Link मिलता है तो description में मैं जरूर दे दूँगी. Now I am adding a candle here and making this place absolutely ready. My makeover is done and let's just see how the entire room is looking. Starting with this वर्क स्टेशन, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है. सो आई एम सुपर हैप्पी. दिस इज हाउ दिस कॉर्नर इज लुकिंग लाइक. I have added these scented candles for this extra aroma. This candle is from Bath and Body Works. बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, so I have got this and it smells absolutely amazing. Also, the desk is looking so neat and tidy. So my entire room is changed now. This is absolutely ready. And अभी हम लोग देखेंगे ये room रात में कैसे लगता है. उससे पहले एक पूरा view आपके साथ मैं share कर देती हूँ. I always try to make it a point to add some personal touch whenever I am giving makeover to a place. The small moments of our childhood or the time that we spent together traveling different places, I have tried to capture in this soft board, and this soft board is actually turning into a memory board. So these are the very small things which makes huge difference. Now about this focal light, this is also from Amazon and this actually changes. तो इसका three shades है. एक तो है ये warm yellow. Now one is entire yellow, like the heavy yellow color, and the other one is white color. तो ये change होता है. So according to the mood or occasion, you can choose the color. I will provide the link in the description.
Also, this chair is an ergonomic chair. That means it is best designed to suit a human body. तो बहुत अच्छा back support provide करता है. Hand rests are also there and I am very satisfied with this chair. तो ये भी मैंने Amazon से लिया था. उसका भी link description में रहेगा. Also, this side we have our sliding door wardrobe. Sliding door हमने इसीलिए choose किया था to save some extra space. Also, the lofts are there for extra storage. Okay, now let's see रात में ये room कैसा लगता है. This is the night look of this room. I can't express how comfortable and cozy this room looks like. Camera cannot do justice always. Maybe a friendly fragrance or some twinkling lights or a simple DIY. These small things actually creates huge difference to any place. So always look for these small changes and इससे आप कोई भी जगह को चेंज कर सकते हो. इट्स नॉट दैट यू हैव टू बाई ऑलवेज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स टू गिव योर रूम अ मेकओवर. ट्राइंग न्यू एडिशंस, छोटे छोटे एडिशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है टू चेंज द एंटायर लुक ऑफ अ रूम. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है. यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन एंड मे बी सम मोटिवेशन टू चेंज योर रूम इफ यू आर लुकिंग फॉर. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है. And most importantly, please share this video with your friends and family. Usse hamara channel grow karega and I'll be able to share many more videos in future. So you take care and I will see you in the next vlog. Until then, bye bye.